हेलो फ्रेंड, टी एच डी जंक्शन में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कि अगर आप एयरटेल के कस्टमर केयर का नंबर नहीं जानते हैं, कस्टमर केयर से बात करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, आपको नंबर पता नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और हमारे चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे कहा जो वीडियो बनाऊँगा आप तक तुरंत पहुँचेगा। फिर इसी वीडियो में आपको बताऊंगा सिर्फ यहाँ से 100% यहाँ से कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। तो फिर क्या करना होगा, सबसे पहले आपको यहाँ से गूगल पर डायल पैड यहाँ से ओपन करना होगा। तो फिर देख सकते हैं मैंने डायल पैड को ओपन कर लिया। डायल पैड को ओपन करने के बाद यहाँ से आपको कोड सर्च कर लेना होगा 1925। यहाँ से देख सकते हैं मैंने 1925 यहाँ से आपको टाइप करना होगा। टाइप करने के बाद फिर यहाँ से कॉल नाउ का ऑप्शन नीचे में दिखाई देगा, आपको यहाँ पर कॉल कर लेना होगा। फिर यहाँ जब कॉल कर लेंगे तो यहाँ से इस तरह का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ से आपको सारा कुछ यहाँ से ध्यान से सुन लेना होगा क्या क्या से आपको बोलेगा यहाँ से डायल करने के लिए। यहाँ से हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए, यहाँ से अन्य लैंग्वेज के लिए, तो मैं हिंदी सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ देख सकते हैं दो सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको इंतजार कर लेना होगा करने के लिए। और व्हाट्सएप, फेसबुक या यूट्यूब के साथ जुड़े रहने के लिए एक दबाएं, मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद करने के लिए दो दबाएं। दोबारा सुनने के लिए शून्य दबाएं। आपको क्या करना होगा, फिर यहाँ से जब सुन दबाने के लिए बोलेगा तो आपको पहली बार यहाँ से सुन नहीं दबाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ से जब दोबारा बोलेगा सुन दबाने के लिए तब आपको दोबारा यहाँ से दबाना होगा। चलिए मैं कर लेता हूँ। चुने हुए विकल्प को डायल करें या हमारे दोहराने तक इंतजार करें। दोबारा सुनने के लिए शून्य दबाएं। हमारे कस्टमर सर्विस स्पेशलिस्ट से बात करने के लिए 9 दबाएं। कृपया लाइन पर बने रहें, आपकी कॉल कस्टमर सर्विस स्पेशलिस्ट को ट्रांसफर की जा रही है। ये कॉल सर्विस क्वालिटी की जांच के लिए रिकॉर्ड की जा सकती है। आपका कॉल वेट टाइम 1 मिनट है। आपकी कॉल हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कृपया प्रतीक्षा करें जब तक हम आपकी कॉल को हमारे कस्टमर केयर स्पेशलिस्ट से कनेक्ट करते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं स्मिता, आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? मैम, मेरा यही हेल्प चाहिए कि मेरा ऐसे सुबह में नेट नहीं चलता है। नेट चलाने में दिक्कत हो रही है। माफी चाहती हूँ, इंटरनेट चलाने में स्पीड कम आ रही है, कनेक्ट नहीं हो रहा है ना। स्पीड कम आ रही है, फिर यहाँ से नेटवर्क भी स्लो आ रहा है। मोबाइल की सेटिंग वाले कोई चेंजेस किए नहीं किए आपने क्या? मोबाइल की सेटिंग वाले पे कोई चेंजेस किए नहीं किए आपने? नहीं, सेटिंग पे नहीं, सारा कुछ सेटिंग मैंने क्लियर कर लिया, सब कुछ सेव है। मैंने चेक किया, आपने ना 232 MB डेटा चलाए हैं, उसके पहले ना 495 MB चलाए हैं। प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए मैं आपकी कंप्लेन यहाँ से रजिस्टर कर लेती हूँ ताकि ये प्रॉब्लम दोबारा से ना आए। बल्कि आप जिस लोकेशन से बात कर रहे हैं वहीं पर प्रॉब्लम आ रही ना क्या? अभी जहाँ से बात कर रहे हैं वहीं पर प्रॉब्लम आ रही है ना? हाँ, यहीं पर प्रॉब्लम आ रहा है, जब भी मैं नेट ऑन करता हूँ यहाँ से स्पीड नहीं देता है। इसका कंप्लेन आप एयरटेल थैंक्स ऐप से कर सकते हैं जिसमें आपकी लाइव लोकेशन ऑटोमेटिकली कैप्चर होती है। अभी मैं आपकी कंपनी यहाँ से ले लेती हूँ ताकि प्रॉब्लम ना आए। कहाँ से बात कर रहे हैं, पता आपका क्या है? वो है हमारे पास नियर बाई कुछ मंदिर मस्जिद होगा, वो बताइए क्या है। मंदिर है, मंदिर कौन सा मंदिर है? शिव जी का मंदिर है नियर बाई। नियर बाई अर्दतपुर। घर के अंदर, घर के बाहर सभी जगह प्रॉब्लम है? सभी जगह, घर के अंदर भी प्रॉब्लम आ रही है, रोड पर भी प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा कोई नंबर यूज करते नहीं करते आप? नहीं। इस नंबर के अलावा कोई दूसरा नंबर यूज करते नहीं करते? नहीं करते, नहीं, यही नंबर चलाते हैं सिर्फ। सिंगल फोन आ रहे हैं? ठीक। कितने दिनों से प्रॉब्लम आ रही है आपको? ये 2-3 दिन से। ठीक है, मैंने कंप्लेन ली हूँ। कंप्लेन नंबर कॉल समाप्त होने के बाद ना आपको मैसेज के द्वारा मिलेगा। कंप्लेन का समय आ रहा है 28 अप्रैल का 2:06 का, चेक करके इसमें सुधार कर दिया जाएगा, परेशान मत होइए समय से पहले। ठीक है, ठीक। एडमिन में कॉल करने से धन्यवाद, आपका फीडबैक हमें बेहतर बनाता है। ठीक। तो फ्रेंड, ऐसा करके अभी कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। तो फ्रेंड, बस आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो